टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्तेमाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शाहिद पटेल नाम के एक शख्स ने अपनी पहली बीवी आफरीन सैयद के होते हुए एक दूसरी लड़की से धोखाधड़ी करके दूसरी शादी कर ली है और इस पूरे मामले में दूसरी बीवी ने मुमरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है और शाहिद पटेल को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि शाहिद पटेल और उसकी पहली बीवी आफरीन ये भरनी नाका अल्टाफिल में रहते हैं, मगर शाहिद पटेल ने मुमरा के श्रीलंका इलाके की रहने वाली एक 20 साल की लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली। इस पूरे मामले में पीड़ित लड़की के परिवार का कहना है कि लड़की का और उसके परिवार का नाम गुप्त रखा जाए, इसलिए इस परिवार और लड़की का नाम हम आपको नहीं बता रहे हैं ताकि आगे चलकर भविष्य में इस लड़की को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। पीड़ित लड़की ने बताया कि शाहिद पटेल जो उसका शौहर है उसके साथ में इस पूरे मामले में श्रीन और फौजिया नाम की ये दो महिलाएं भी शाहिद के साथ में शाहिद की खाला बनकर फौजिया और श्रीन बहन बनकर शाहिद की उसके घर पे रिश्ता लेकर आई थी और इस दौरान ये भी बताया था कि शाहिद यतीम है, उसके माँ बाप की मौत हो गई है, यानी कि शाहिद पटेल ने दूसरी शादी करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। आपको ये भी बता दें कि परिवार के लोगों का कहना है कि ये जो श्रीन और फौजिया है शाहिद की जो पहली बीवी है आफरीन, ये उसी के रिश्तेदार भी। वैसे तो शाहिद अपनी पहली बीवी आफरीन के साथ अंटाफिल में रहता था, मगर जब उसे दूसरी शादी करना हुआ तो वो मुमरा के सम्राट नगर इलाके में 1 दिसंबर को किराए के मकान लिया और उसमें रहने लगा और 23 दिसंबर को मुमरा के श्रीलंका की रहने वाली एक 20 साल की लड़की के साथ शादी कर ली। अभी 15 दिन ही शादी के गुजरे थे कि शाहिद के हाव भाव और चाल चलन से ये दूसरी बीवी जो है उसकी परेशान हो गई। हालांकि इस दौरान शाहिद की दूसरी बीवी को ये पता चला कि शाहिद की एक और बीवी है जो अंटाफिल में रहती है जिसका नाम आफरीन सैयद है। जानकारी मिलने के बाद इस लड़की ने यानी कि शाहिद पटेल की दूसरी बीवी ने इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी। परिवार वालों ने जब ये सुना तो उनके होश उड़ गए और तत्काल परिवार के लोग मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और शाहिद पटेल के खिलाफ FIR दर्ज कराई। शाहिद पटेल के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में 376, 494 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे हिरासत में भी लिया गया है। पीड़ित लड़की ने बताया है कि शादी के दौरान उसे 10 तोला सोना मिला था, वो भी अब नहीं मिल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने फौजिया और श्रीन नाम की इन दो महिलाओं का नाम भी अपने पुलिस बयान में दर्ज कराया है। शाहिद पटेल दूसरी शादी और धोखाधड़ी में ये भी दोनों महिलाएं शामिल थी, साथ ही शाहिद की जो पहली बीवी है वो भी इस पूरे मामले में शामिल थी, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि सिर्फ इन लोगों ने लालच में आकर शादी की थी। वहीं इस पूरे मामले में ये भी अब जानकारी सामने आ रही है कि शाहिद को यतीम बताया गया था, मगर शाहिद यतीम नहीं है बल्कि उसके माँ बाप अभी जिंदा है, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है कि इसके माँ बाप बीजापुर में है। शाहिद पटेल और उसके साथ फौजिया और श्रीन नाम की ये दो महिलाओं ने कैसे धोखाधड़ी करके शाहिद पटेल की दूसरी शादी करवाई, इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने क्या कुछ बताया है सुनिए। आप मुमरा चौकी आए हैं, आपकी लड़की के साथ किस तरीके का फ्रॉड हुआ और आपने क्या शिकायत दर्ज की? बहुत बुरा मेरी लड़की के साथ में ये हुआ है, फ्रॉड हुआ है। मेरे को इंसाफ के लिए मैं आई हूँ, मैं इनके पहले इंजॉर्ज गई थी शाबाना शेख के, तो उनके तुरंत मैं यहाँ पे आई हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए कि आगे चल के अब ऐसी कोई लड़की के साथ ना होए। किस तरीके का फ्रॉड हुआ है? मुझे झूठ बोल के शादी कराया गया मेरी लड़की का, बोले कि यतीम है, उसकी खाला और उसी की लड़की की खाला और लड़की की बहन दोनों आए थे, यतीम है बोल के मेरी लड़की, मेरे को यही बोला गया। 5 जून को हुई थी मंगनी, उसके बाद 5 जून को 23 दिसंबर को शादी हुई है,
उसके बाद में एक हफ्ते के बाद में मेरी लड़की को रात सब मालूम पड़ा है, उसकी खाला के बेटे ने ही बताया। तो इस चीज़ पे फिर हम लोग बोलते गए तो मेरी लड़की को लड़का बहुत टॉर्चर कर रहा था घर में, वो भी और लड़की शिरीन भी और उसकी खाला फौजिया, वो तीनों। लड़के का नाम क्या है? शाहिद पटेल। किधर रहने वाला है, किधर का रहने वाला है वो? इधर पे अंटाफिल का। अंटाफिल, अंटाफिल का। अच्छा, शादी का रिश्ता लेकर कौन कौन आया था? फौजिया और शिरीन। ये कौन है? फौजिया कौन है? पहली वाइफ की, पहली वाइफ की बहन है और उसकी सगी खाला है। मगर मुझे बोला गया है क्या बोले, मतलब ये लड़के की खाला है और लड़के की बहन है करके, ऐसा झूठ बोल के। और मेरी हाँ, और इन लोग शिरीन भी लड़की की पहली वाइफ की, उसकी शाहिद की पहली वाइफ की बहन है, मगर मुझे बोला गया कि शाहिद की बहन है करके। और वाइफ उसकी प्रेग्नेंट है 6 महीना मंथ से। कितना दिन हुआ था शादी? शादी हो के अभी 15 ही दिन हुआ है। तो पहली वाइफ का नाम क्या है? उसका नाम आफरीन है, आफरीन से ही है। तो ये जो 6 महीना हुआ आपको आपकी लड़की की मंगनी करवा के, तो 6 महीने में ऐसी कुछ मालूमात हुई नहीं आपको? मैंने बहुत एहतियात करी मगर मुझे कहीं से कोई बोला नहीं गया, यही बोले कि लड़का अच्छा है, यतीम है, पढ़ा लिखा है, कोई चीज़ का मतलब नशे वशे की आदत नहीं है, लड़का अच्छा है, आँख बंद करके बैठी दो। अब वही सोच के मैंने दी यतीम 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 बोल के ही उन लोग ने मेरे को बोले। अच्छा, और शादी के बाद मालूम पड़ा लड़के के माँ बाप रहने को कहाँ पर है? अब भी पता चल रहा है कि उसके माँ बाप भी जिंदा है बीजापुर में। उसकी पहली वाइफ को छोड़ रहा था इसलिए वो उन लोग बोलते गुस्से से बीजापुर चले गए, अभी ये मालूम पड़ा। अच्छा, यानी कि उसके माँ बाप हैं? है, जिंदा माँ बाप भी है, सब है, और उसने नहीं अच्छा। कोई नहीं यतीम है बोल के मुझे फंसाया। आप लोगों को धोखे से मतलब धोखे से किया? माँ बाप मर चुके हैं? मर चुके, कोई भी नहीं है, मैं यतीम हूँ। तो मैंने ये सोची कि चलो जान दो यतीम है, अच्छा है लड़का, मेरे को जो बताए तो मैं बोली जान दो, मैं सपोर्ट करूँगी, मैं रखूँगी। उस हिसाब से मैंने हामी भर के शादी करी। क्या क्या दिए थे आपने दहेज में? 10 तोला सोना दी थी मैंने इसको, और दहेज में फर्नीचर में सब सामान दियो मैंने। तो अभी आपका पूरा सामान आपको मिला? सामान तो क्या है, सामान है शायद, और जेवर मेरी लड़की को तो मेरे को मालूम पड़ा, तो मेरी लड़की रोके फ़ोन करी तो मैं उसको लेने के लिए गई। मैं ऐसे ही घर की हालत से लेके आई हूँ, जेवर पूरा था, मगर अब उन लोग बोल रहे कि जेवर पहन के। शादी के बाद आपकी लड़की अंटाफिल में रहती थी या किधर? नहीं, इधर पे सम्राट नगर में। सम्राट, सम्राट नगर में। आपको कैसे पता चला कि जो आपके हस्बैंड है उनकी एक शादी और हो चुकी है? पहले तो 6 महीना एंगेजमेंट के इस दौरान मुझे कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, बट शादी के 1 वीक के बाद में मैं अपने इन लोगों ने मुझे बोले कि यहाँ पानी का प्रॉब्लम है, 1 हफ्ता पानी नहीं आएगा। और सेकंड, मेरे जो बहन है उसका उसके हस्बैंड से कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर पे झगड़ा हो रहा है, तो 1 हफ्ते के लिए तुम तुम्हारी अम्मी के वहाँ पर जाओ, मैं एंटोफिल में जा रहा हूँ, मैं जुम्मा की में आऊँगा तुमको लेने के लिए। तो मैंने बोली ठीक है चलेगा। 1 हफ्ते के लिए मैं मेरे मम्मी के घर पर गई, वो भी खुद छोड़ने नहीं आए थे मेरे हस्बैंड, उनकी खाला और जो उनकी बहन है वो छोड़ने आई थी, जो झूठे निकले भी कि बहन और खाला नहीं है। फिर जब मैं मेरे घर पे जब रिटर्न गई रात में खाने बिना खा के, तो जैसे ही मैं घर में घुसी मैंने देखी खाला के जो बच्चे लोग ये वो लोग हुक्का पीते बैठे थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जैसे ही घर में गई मैंने देखी पूरा घर धुआं धुआं, मैंने बोली ये क्या है? तो बोले हम लोग पीते हैं हुक्का, ऐसे भी हम लोग पीते हैं। और शादी वाले दिन भी जब मैं शादी होकर अपने घर पर जब ससुराल में गई विदाई होकर, तो सुबह 5 बजे तक ये लोग रोना धोना इन लोग का चालू था। मैं बेडरूम में अकेले बैठी थी, शिरीन और फौजिया खाला दोनों बैठे थे मेरे हस्बैंड के साथ में, शाहिद के साथ में, और ये लोग सुबह 5 बजे तक पता नहीं क्या बात कर रहे थे, रोना धोना चल रहा था। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे ऐसा बताया गया कि जो उनकी बहन है शिरीन है उसका उसके हस्बैंड के साथ में बहुत सीरियस मैटर पे झगड़ा चल रहा है, डाइवोर्स तक बात आ गई है, ये चीज़ को लेके झगड़ा चल रहा है, मुझे ये बताया गया। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है चलेगा। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड जो है वो शाहिद जो है दो तीन घंटा फ़ोन पे लगे रहते थे बाहर जाके, और सुबह ही नाश्ता करते भी नहीं थे, सुबह उठ के ही डायरेक्ट एंटोफिल के लिए निकल जाते थे, बोलते थे कि मैं घर देखने जा रहा हूँ, एंटोफिल के लिए निकलते थे, और रात में 12-12 बजे तक घर पे आते थे। एक ही बार खाली बाहर से खाना लेकर आए थे, वो भी दाल गोश्त लेके आए थे, चावल मैं बनाई थी, और उसके बाद से जितने भी बार बाहर गए एक बार भी खाने के लिए मेरे को बोले नहीं। मुझे भूख लगती थी, मैं मेरे मम्मी से खाना मंगवाती थी, मुझे ताला मार के मैं अंदर बैठ के अंदर रहती थी, मैं ना ही मेरे पास फ़ोन ना ही नेटवर्क है घर में कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद यही मेरे मैं बहुत अपसेट हो गई थी ये सब चीज़ को लेके, मेरे साथ में सही से रह रहे नहीं थे।
तो जो इनकी फौजिया है, फौजिया खाला, उसके बड़े वाले ने बेटे ने मुझे बताया कि भाभी क्या नाम है उसका, उसका नाम फैजान है, फैजान है उसका नाम। उसने मुझे जब ये लोग एंटरफिल दूसरे दिन वापस गए, मैंने फोर्स की कि मुझे भी साथ में लेके चलो, तो मुझे नहीं लेके गए, तो मैं बहुत अपसेट थी और मैं रो रही थी। वो फैजान घर में था मौजूद, उसने मुझे पूछा भाभी तुम क्यों रो रहे, मैंने बोली ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे भाई ऐसे ऐसा करते, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या है। तो उसने बोला अभी भाभी एक काम करो, तुम तुम्हारा काम छोड़ो, बेडरूम में आके बैठो, मैं तुमको कुछ बताता हूँ क्यों ये सब हो रहा है। उसने मुझे कुरान की कसम खा के सब बात बताया कि भाभी भाई की दूसरी शादी है, ऐसा है वैसा है, पहली वाइफ है उनकी, प्रेग्नेंट है, ये उसने मुझे नहीं बताया था, लेकिन बोला था कि हाँ पहली वाइफ है, ये सब चीज़ को लेके ये लोग बहुत मतलब सीरियस चल रहा है, इन लोग में डाइवोर्स वोर्स की बात चल रही है, इसके लिए भाई टेंशन में रहते हैं। और बोले तुमको ये लोग बॉम्बे शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, बोले भाभी इसके पीछे बहुत बड़ा इन लोग का राज है, बॉम्बे जाना नहीं, तुम इससे पहले कुछ तुम एक्शन लो। तो मैंने बोली ठीक है चलेगा। फिर यही चीज़ उनकी बहन ने भी मुझे बोली, शिरीन जो है, शिरीन जब घर पे आई थी तब उसने भी मुझे, पहले तो उसने ही डाउट मेरे दिल में पैदा करी दूसरे दिन से कि मैं भले ही मैं उसकी बहन हूँ लेकिन मुझे 100% कन्फर्म हूँ कि आगे जाके भाई तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ हादसा करेगा। पहले दिन से मुझे यही बोल के डरा दिए, बोले 100% श्योर हूँ तुम्हारा भाई मेरा भाई दो मिनट नहीं लगाएगा बोले तुमको तलाक देने में। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में खुद ही मुझे बताने लगे कि भाई दो घंटा बाहर बात करता है, नीचे चला जाता है तुमको बंद करके, तुम अपना दिमाग लगाओ क्या बात है। शादी के पहले इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी और मुझे लगता है अभी भी है। पहले तो उन्होंने मुझे बोले कि आफरीन नाम की लड़की है, उसके साथ में अफेयर है। तो मैंने बोले अच्छा ठीक है अभी भी है, तो बोले हाँ अभी भी है, मैं तुमको प्रूफ दूंगी। मैंने बोली ठीक है, लेकिन मैं ऐसे रहा नहीं गया, मैंने शाहिद को ऐसा बात बताई कि तुम्हारी बहन मुझे ऐसे ऐसे ऐसा बोल रही है। तो ये लोग ने मेरे सामने उनसे क्लियर नहीं किए, फौजिया खाला और शाहिद दोनों नीचे बिल्डिंग के गए और पता नहीं लोग की क्या बात हुई। 4 घंटे के बाद मैं जब ऊपर आए तो बोले मैंने बहन से बात किया, मैंने बोली क्या बोले, तो बोले उसने कन्फेस कर ली कि हाँ मैंने ज़ेबा को ऐसा सब बोली, लेकिन मैंने उसका जायजा देखे, मैं उसके ऊपर लालच आ गई मेरे अंदर, तो मैं तुम लोग का रिश्ता तुड़वाना चाहती हूँ, मैं इसके लिए झूठ बोली उससे। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है चलेगा, ये झूठ बोल दिया कोई बात नहीं। फिर उसके दूसरे दिन बहन ने मुझे फिर खुद बोली कि भाई की ज़ेबा भाई की दूसरी शादी हुई है, तुम क्यों नहीं ये सब बात तक जा रहे, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, भले ही मैं बहन हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम इसकी बात तय तक जाओ। तो खाला के बेटे से मैंने फिर कंफर्म की, उसको मैंने क्लासेस गया था, उसको मैंने फ़ोन करके खुद बुलाया कि फैजान घर पे आ, वो क्लासेस का एक लेक्चर छोड़ के मेरे पास में आया, उसको मैंने बैठा के कुरान के ऊपर हाथ दे के पूछी कि फैजान मेरा दिल नहीं मान रहा है, तू सही से बता ये बात है क्या। तो उसने खुद बोला कि हाँ भाभी ये सब बात सही है, भाई की दूसरी वाइफ है। उसने मुझे फ़ोटो भी दिखाया, फ़ोटो दिखाने के बाद उसने तुरंत डिलीट भी कर दिया कि भाभी मेरा नाम नहीं बोलना, बच्चा 3 दिन से बुखार में पड़ा है कि मेरा नाम आ जाएगा। मैंने उसका हालांकि नाम ली नहीं थी पर कल मजबूरन मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि जब ये मेरा ये शाहिद लोग को ये बात बताया गया, जब मुझे मालूम पड़ी मैंने मेरे मम्मी लोग को तुरंत बुलाई जब कन्फर्म हो गई मैं कि मम्मी घर पर आओ, मुझे डर लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये लोग मुझे रातों रात यहाँ से बॉम्बे शिफ्ट करने वाले। तो मेरे मम्मी लोग जब आए, जब इन लोगों को बताए तो शायद एंटरफिल में थे बुलाए, तो बहन के बोलने पे वो रिटर्न चले गए, घर पे आए ही नहीं। तो मैं मेरी मम्मी लोग के साथ में घर पे चले गई। दूसरे दिन लोग जब घर पे आए तब उन लोग के सामने ये सब बात रखी गई कि दूसरी शादी है, ऐसे ऐसे हम लोग सुने, तो लोग मानने ही तैयार नहीं, बोलते नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, उल्टा हम लोग पे चढ़ाई किए। कन्फर्म बोले हम लोग को प्रूफ ला के दो, कितना दिन का टाइम चाहिए, 1 दिन का चाहिए, 7 दिन का चाहिए, तुम टाइम लो लेकिन हम लोग को प्रूफ ला के दो। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग तुमको प्रूफ ला के देते। फिर मैं हम लोग ने बोले मम्मी को, मैं बोली कि अभी जाते हैं एंटरफिल वाले घर पे ही, मेरे को लेके गए नहीं वहीं पे कुछ झोले। जब हम लोग वो घर पे पहुँचे, हम लोग भी नहीं पहुँचे, हम लोग के जो रिलेटिव्स रहते हैं मेरे भाई और भाभी चेंबूर में रहते हैं, हम लोग ने उन लोग को पहले वहाँ भेजे कि उस बीच में ये लोग कुछ गड़बड़ ना कर दे वहाँ। जब वो लोग वहाँ पे गए तो उन लोग ने घर में उनकी वाइफ को देखे और उनके नाना को देखे, जो हम बताया नहीं गया था कि घर में कोई है ही नहीं। और जैसे ही मेरे भाई भाभी को देखे तो यहाँ से इन लोग का फ़ोन गया कि नाना भांडा सब फूट गया है। तो नाना ताला मार के नाना और जो वाइफ है आफरीन दोनों यहाँ से भाग गए, पर मेरे भाई भाभी यहाँ मौजूद थे। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तो बाजू बाजू वाले को हम लोग ने ठोके सब बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो लोग ने हम लोग का साथ दिए, बहुत साथ दिए, बोले कि इन लोग का जो दूसरी खाला का घर है, लड़की की जो खाला का घर है ना, वो घर है थोड़ा दूर पे एंटोफिल में है, चलो हम लोग घर बता देते। हम जब मम्मी लोग वो घर पे गए तो वहाँ पे वाइफ भी मौजूद थी, नाना भी था और ये लड़की की माँ भी है, ये जो शाहिद की जो पहली वाइफ है, वो लोग 5 भाई बहन हैं। जब मालूम पड़ा हम लोग को तो हम लोग कल आए,
फिर उसके बाद में हम लोग परफेक्ट हेल्प एनजीओ में गए थे शबाना मैडम के पास में, इन्होंने बहुत हेल्प की, इन्होंने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में लेके आए और बहुत हेल्प हो रही है। अभी हम लोग का FIR दर्ज है और जो दहेज वहेज का था सोने गोल्ड का भी जो केस है, अब पता नहीं, मैंने तो कुछ पहन कर नहीं आई थी, मैं घर में गोल्ड पहन के रहती ही नहीं हूँ, सिर्फ एक मंगलसूत्र है और सिर्फ एक रिंग है छोटा सा जो मम्मी ने जुम्मागी में दिए थे, अब वो घर पे ही था लेकिन बोल रहे ये लोग कि अभी घर पे नहीं है, अब पता नहीं इसके पीछे का क्या राज है, कहाँ छुपाए। आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद आप डायरेक्ट अंटाफिल गई? नहीं, यहाँ सम्राट नगर में आई। तो ये सम्राट नगर का रूम कभी लिया गया? सम्राट नगर का रूम हम लोग को बताया गया है 15 दिन पहले लिया गया शादी के। ये किसने लिया था? शाहिद ने। अच्छा, हाँ। तो लोगों ने मतलब यहाँ पर पहले रूम ले लिया और फिर शादी? हाँ, और शादी को अभी एक महीना भी नहीं हुआ, शिफ्ट होने की बात हो रही है यहाँ से, क्योंकि पहली वाइफ और रोज एंटरफील जा रहे थे बोल के कि घर देखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पीछे से मालूम पड़ा कि पहली वाइफ से मिलने जा रहे थे अपनी। तो अभी आप मुमरा पुलिस चौकी आए तो अभी क्या हुआ? अभी फिलहाल हम लोग आए तो जो शाहिद है उनको बिठाया गया है वहाँ पे, मेरा स्टेटमेंट लिया गया है, FIR दर्ज हुई है, अभी आगे का प्रोसीजर क्या है अभी वो सर बताएंगे। अभी आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप पुलिस के आला अधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी, मैं यही उम्मीद से आई हूँ मैडम के साथ में कि जो मेरे साथ में हुआ है, मैं नहीं चाहती कोई और लड़की के साथ में हो, मुझे भी न्याय चाहिए, और जो मेरे मम्मी माँ बाप मम्मी और अब्बा ने घर वालों ने इतने अरमानों से मेरी शादी की है, जो ये सब जो गलत हुआ है मुझे उसका भरपाई भी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और आगे कोई लड़की के साथ में ऐसा ना हो, इसके लिए मैं चाहती हूँ वो लड़के को भी शाहिद को भी सज़ा हो, ताकि आगे कोई लड़की के साथ में ऐसी चीज़ ना हो। और जो मेरा जो गोल्ड गया है, जो मेरा गोल्ड ये लोग बोरे नहीं है, वो गोल्ड भी चाहिए हम लोग को, क्योंकि मैंने पहन कर नहीं आई थी, अब ये लोग बोरे घर में नहीं है लेकिन हम लोग को गोल्ड भी पूरा चाहिए क्योंकि मैंने कुछ पहन कर नहीं आई थी। शबाना जी, आप यहाँ पर NGO चलाती है और ये जो बच्ची ने कहा है आपने इसके हर कदम पे बहुत बड़ा साथ दिया है, तो ये आपके पास ये बच्ची कैसे आई? ये मेरे NGO में ये लोग आज आए हैं और इन लोग ने सब ऐसा मुझे सब बताया, ऐसा ऐसा मसला है, तो मैंने ना लड़के को शाहिद को कॉल की, तो शाहिद से मेरी बात हुई तो शाहिद बोला मेरे से गलती हो गई, ये तो मेरे लिए कोई गलती थी, तो तुम लोग यहाँ आ जाओ तो हम लोग बैठ कर बात करते हैं, तो ठीक है। फिर उसके बाद में उनकी सास का फ़ोन आने लगा मुझे, बोले मैडम मेरे आने के बाद में बात होगी, मैंने नहीं अभी उसको भेजो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फिर वाइफ का फ़ोन है, मैंने इन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाई और दोनों फैमिली को बुला के आमने सामने बिठा के बात की, उसका बोलना है कि था कि, और जो उसकी वाइफ है पहली वाइफ आफरीन, उसका बोलना ऐसा कि उससे गलती हो गई ऐसा, और साली ने ही शादी करवाई, साली ने और सगी खाला ने मिलकर ये लड़की के साथ फ्रॉड किया गया। कहीं ऐसा नहीं लगता इस मामले को लेके इसमें पहली औरत भी इन्वॉल्व है, सरकार है ये पूरी फैमिली मिली हुई है, और इनका मेरा जहाँ तक अंदाजा है ना, ये लड़की का जेवर और जो उसका सामान है पैसा वगैरह ये सब उसके ही चक्कर में हुआ है, क्योंकि ना कल या परसों ये लोग है ना घर पर गए थे, इसकी खाला फौजिया लड़के की और उसकी जो साली है जो बहन बनी थी श्रीन, ये लोग कल उनके घर पर गए थे और कुछ थैली में ना, और उन लोग अच्छा, ये बात आपको कैसा पता चला? ये उनके पड़ोसी है, ओनर है, ओनर है ये, इन्होंने हमको बताया कि वो लोग गए थे कुछ थैली में लेकर निकले है 9 तारीख दोपहर के टाइम। आपका नाम क्या? शेख सरफराज मोहम्मद इब्राहिम। ये आपका रूम जो भाड़े पे लिया गया है, तो ये कितना टाइम हुआ भाड़े पे लेके? ये दिसंबर से लिए, पहली तारीख से, दिसंबर पहली तारीख से और एक महीना हो गया, एक महीना ये लोग भाड़ा नहीं दिए अभी तक, भाड़ा भी नहीं दिए। उसके बाद है ना फिर बोले हमको घर खाली करना है, हमारे तुम्हारे घर में दीमक लग गई, हमको सास हमारी रूम दे रही है, तो ये लोग है ना इस तरीके से लफड़ा चलता रहा आते रहे जाते रहे। उसके बाद ये लोग 9 तारीख को, जब लफड़ा इतना हो गया 9 तारीख को जब मतलब मालूमात हो गई पहली औरत है और ये दूसरी शादी धोखे से की गई है, तो ये 9 तारीख को दोपहर को आए फौजिया और सिरीन, ये और फौजिया का लड़का, ये तीनों आए और थैली में कुछ लेके गए, थैली में कुछ लेके क्या था अल्लाह वाली के वो लेके गए, मतलब थैली लेके गए और घर बंद करके चले गए। अच्छा, थैली कितने बजे लेके गए थे? दोपहर को 9 तारीख को, 9 जनवरी को।